शिवाजी महाराजांसारखा राजा कधीच कुणा एकाचा नसतो, तो एकाच वेळी सामद्या रयतेचा असतो। हम शेर है शेरों की तरह हंसते हैं क्योंकि हमारे दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज बसते हैं। ये मेरी लाइंस नहीं है, लेकिन जिसने भी ये लिखा है उन्होंने ये तो बता दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दिल में बसते हैं। सो फ्रेंड्स, हाल ही में एक मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है जिसका नाम है वेडात मराठे वीर दौड़ले सात। महेश मांजरेकर की ये अपकमिंग मूवी है। महेश मांजरेकर एक काफी अच्छे डायरेक्टर है, उन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे मूवीज डायरेक्ट की है, लेकिन उनकी जो आने वाली मूवी है उसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बातें शुरू हो चुकी है। किसी हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर मूवी बने और उसमें बवाल ना हो, ये इंडिया में हो ही नहीं सकता। इससे पहले अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी आई थी, जिसमें अक्षय कुमार ने जो 40 दिन का गेम किया था उस वजह से पूरा कैरेक्टर छोड़ो पूरी की पूरी मूवी फ्लॉप हो गई थी। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इस तरीके से किरदार को बयां करना ये किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी महेश मांजरेकर ने एक बहुत बड़ा दाव खेला है छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल देके अक्षय कुमार को। अब बात करते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के फर्स्ट लुक के ऊपर कि कहां से ये बवाल शुरू होने वाला है। सबसे पहले हमको वहां पे दिखाया जाता है सेट के लाइट्स, यानी कि कुछ फ्लोरोसेंट लाइट, जिस वजह से लोग बोल रहे हैं कि आइंस्टाइन तो बाद में आया था, छत्रपति शिवाजी महाराज उससे पहले थे, तो आपने यहाँ पे डिटेल को क्यों मिस कर दिया। सेकंड है बियर्ड, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बियर्ड है वो राइट हैंड साइड से थोड़ी सी कम दिख रही है और लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ी ज्यादा दिख रही है, यानी कि यहाँ पे तो ये चीज पता चलती है कि ये नेचुरल दाढ़ी तो नहीं है, इन्होंने यहाँ पे मेकअप का बहुत ज्यादा यूज किया है, जिस वजह से भी लोग उनको बैकलैश दे रहे कि आप एक ऐसे महान नायक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो क्या आप अपनी दाढ़ी तक नहीं बढ़ा सकती इस कैरेक्टर के लिए। इससे पहले जो गलती अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी में की थी, लोग यही एक्सेप्ट करके चल रहे थे कि वो ऐसी गलतियां बार बार नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से उनका फर्स्ट लुक सामने आया है लोगों ने इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में लिया है। सो बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये तो फर्स्ट लुक है, आगे चल के इसका और ज्यादा डेवलपमेंट होगा, लेकिन मैं आप लोगों से बस एक पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या प्रेजेंटेशन कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। जब आप किसी भी मॉडल को फर्स्ट लुक में सामने ला रहे हो तो क्यों उस पर 100% काम नहीं किया जाता, क्यों उसके डिटेल्स को मिस किया जाता है। आप कोई भी हॉलीवुड की मूवीज उठा के देख लो, वो जब भी अपने कोई मूवीज का फर्स्ट लुक देते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसे सबसे पहले 100% परफेक्ट करती है, क्योंकि वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है और कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, तो इस वजह से वो लोग अपना 100% देते हैं, यहाँ की अपना 200% देते हैं। लेकिन जब बात आती है बॉलीवुड की और वो भी ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स की, तब वो लोग लैग कर जाते हैं। और यहाँ पे हमको वही दिखाया जाता है कि इन लोगों ने कुछ भी डिटेल्स पे काम नहीं किया। हिस्टोरिकल इवेंट को इस तरीके से मजाक के तौर पे दिखाना ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। मैं अपने चैनल में इस तरह की वीडियोस कभी नहीं बनाता, लेकिन बात है छत्रपति शिवाजी महाराज की, क्योंकि वो भगवान है मराठी लोगों के लिए और न जाने और कितने लोगों के लिए, तो इस तरीके का खिलवाड़ करना ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस अभी देखना तो यही है कि आगे चल के अक्षय कुमार किस तरह से इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं। होप तो यही करते हैं कि ये पिछले मूवी की तरह 40 दिन में इसको खत्म ना करते हुए इसको एक ऐसी यादगार मूवी बनाए जो उनके लाइफ के भी और बॉलीवुड के लिए भी एक माइलस्टोन साबित हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज जरूर बता सकते हो, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है और ये बात बढ़ने से पहले अगर हम इसको नोटिस करते हैं और इसके ऊपर आवाज उठाते हैं तो होप सो इसके साथ भी वैसा हाल नहीं होगा जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। सो गाइज, मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए जितना आप लोगों से हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलता है अगले वीडियो में, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। बाय। जय भवानी। आज अपना भगवान मातीत नहीं, गनीमत छातीत रोवायचा।